बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोग पढ़ रहे थे एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल, आवृत बीजी पौधों का जीवन चक्र, ये चैप्टर था। और इसमें फ्लावर्स के बारे में पढ़ा था, फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गैनेशियम, और फिर इस लाइफ साइकिल के अंतर्गत, जीवन चक्र के अंतर्गत पराग कणों का निर्माण माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, बीजांड का निर्माण या फीमेल गैमेट का निर्माण मेगा स्पोरोजेनेसिस, इसके बाद पॉलिनेशन या परागण की क्रिया, फर्टिलाइजेशन, इसमें फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद लास्ट टर्न पर पढ़ा था एंडोस्पर्म, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद उसी के आगे हम लोग आज पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण का निर्माण या विकास, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या भ्रूण का परिवर्धन, उसका डेवलपमेंट। तो जो फर्टिलाइज्ड सेल होती है, ये कोई फर्टिलाइज्ड सेल है, इसे जिसमें क्या है, ये फर्टिलाइजेशन के पश्चात इसमें टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। ये फर्टिलाइज्ड एग है, निषेचित अंडा है। इसके बाद इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट के फलस्वरूप क्या होता है, इसमें एक अंतस्थ विभाजन होता है, दो सेल बन जाती है, एक इधर यहाँ क्या बनता है, एपिकल सेल या शीर्ष कोशिका, और नीचे की तरफ आधारी कोशिका बनती है या बेसल सेल बनती है, आधारी कोशिका या बेसल सेल बनती है। और इसके पश्चात इसमें लगातार अनुप्रस्थ विभाजन, पेरिक्लाइनल डिवीजन, एंटीक्लाइनल डिवीजन, ये डिवीजन लगातार होते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें क्या बनता है, ये इस तरह की रचना बन जाती है, इसमें यहां पर एंटीक्लाइनल पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं और यहां पर ये सेल्स बनती हैं। तो ये तो ऊपर एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, बीच में ये सस्पेंसर सेल्स होती है, सस्पेंसर सेल या निलंबक कोशिका, और नीचे की तरफ ये होती है हास्टोरिकल सेल, हास्टोरिकल सेल, या इसे चूसक कोशिका कहते हैं, हास्टोरिकल सेल या चूसक कोशिका। इसका काम होता है भोजन को अवशोषित करना, भोजन को अवशोषित करके पूरे भ्रूण को देना, जिससे कि भ्रूण का विकास हो सके। तो यहाँ हास्टोरियल सेल या चूसक कोशिका होती है जो भोजन का अवशोषण करती है, बीच में सस्पेंसर सेल, और यहाँ पर ये एम्ब्रियो होता है या भ्रूण होता है ना, वो मुख्य पार्ट होता है। और इसके पश्चात इसमें ये डेवलपमेंट होता है, तो डेवलपमेंट के फलस्वरूप ये ऊपर पहले ये ट्राइएंगुलर संरचना बनती है, त्रिकोणीय आकार की संरचना बनती है, त्रिकोणीय आकार की संरचना बनने के बाद क्या बन जाती है, इसमें ये एक हृदयाकार संरचना बन जाती है, ये हृदयाकार संरचना बन जाती है, ये तो हास्टोरियल सेल है ही, और बीच में ये सस्पेंसर सेल और ये हृदयाकार रचना बन जाती है। और इसी के पश्चात इसमें ये बीच में दशा होता है, ये बीच में धस जाती है। देखो जो मोनोकॉट होते हैं, एक बीजपत्री होते हैं,
तो उसमें ये एक ही संरचना बनी रहती है। तो मोनोकॉट या एक बीज पत्री में क्या होता है, बीज पत्र एक होता है, तो ये रूट पार्ट डिवाइड नहीं होता है, पूरा सिंपल बना रहता है। और जो डाइकॉट होते हैं, द्विबीज पत्री होते हैं, तो उनमें बीच में ये धसा हो जाते हैं और दो बीज पत्र बन जाते हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस है मोनोकॉट के और डाइकॉट के, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री के भ्रूण के विकास में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो भ्रूणी भाग है एस्टुरियल सेल तो बना ही रहेगा, सस्पेंशन सेल बना ही रहेगा, और यहाँ पर बीच में डिवाइड हो गया, ये दशा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, यहाँ पर दो कोटाइलेडन, ये दो बीज पत्र बन जाएंगे। तो द्विबीज पत्री या डाइगोट में दो बीज पत्र बन जाते हैं, और यदि मोनोकॉट हुआ तो ये सिंगल संरचना बनी रहती है। तो यहाँ पर ये दो संरचनाएं बन गई, दो बीज पत्र बन गए, और ये दो बीज पत्र बन गए मतलब ये डाइकॉट है, और अगर जो मोनोकॉट हुआ तो वो विकास यहीं पर रुक जाएगा, दो बीज पत्र नहीं बल्कि एक ही बीज पत्र रहेगा। तो ये विशेषता होती है। तो इसमें नीचे तो ये सस्पेंसर या हास्टोरियल सेल ही रहेगी, हास्टोरियल सेल जो कि जिसे चूसक कोशिका कहते हैं, भोजन को अवशोषित करने का काम करेगी। बीच के ये सस्पेंसर सेल्स होती हैं या निलंबक कोशिका, और ऊपर ये होते हैं कोटाइलेडन्स, कोटाइलेडन्स या इन्हें बीज पत्र कहते हैं। इसमें यहां पर नीचे की तरफ, यहां पर ऊपर की तरफ, यहां पर शूट मेरिस्टम होता है, शूट मेरिस्टम मतलब यहां से तने का विकास होता है, ये शूट मेरिस्टम। और यहां पर जो सस्पेंसर सेल्स हैं इसके ऊपर से यहां पर ये रूट मेरिस्टम होता है, रूट मेरिस्टम, रूट मेरिस्टम जहां से जड़ों का विकास होता है। तो इस प्रकार से जड़ों का विकास और यहां से तने का विकास होता है, शूट मतलब स्टेम, स्टेम का तने का विकास होता है, और यहाँ शूट एपिक्स, मेरिस्टम माने विभाज्योतक, मेरिस्टम माने क्या होता है, विभाज्योतक मतलब जिनकी कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता रहता है उसको हम लोग मेरिस्टम कहते हैं। तो ये मेरिस्टम होते हैं, लगातार इनमें विभाजन होता रहता है, और इसी विभाजन के फलस्वरूप यहाँ पर जड़ों का विकास और इसमें यहाँ पर तने का विकास होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये डाइकॉट और मोनोकॉट के इम्ब्रियो डेवलपमेंट, भ्रूण का विकास कैसे होता है, तो ये आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से बस दोनों का डेवलपमेंट, मोनोकॉट का डाइकॉट का एक जैसा होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि मोनोकॉट में केवल एक बीज पत्र बनता है और डाइकॉट में दो बीज पत्र बन जाते हैं, बस ये डिफरेंस होता है। तो इसको आप लोग फेयर कॉपी में बनाएंगे, समझेंगे, और इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछेंगे। धन्यवाद।